हाय। वो आपके साथ में कौन है? वो तो मेरे पति है। पति? ओ थोड़ी डेयरिंग है आप तो। वो तो मैं हूँ। आपका नाम क्या है? लता, एसपी लता वर्मा। क्या हुआ मैम, हमने क्या किया मैम? पहचाना इनको? नहीं मैम, नहीं मैम। यही थे ना वो दोनों? जी मैम, यही हैं वो दोनों। एक्सक्यूज मी, ये स्कूटी मेरी है। हाँ तो आप ही की स्कूटी है जी, हमने कौन सा कहा हमारी है? देखिए मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है। अरे तो मैं छोड़ देता हूँ, आइए बैठिए। देखिए आप दोनों बदतमीजी कर रहे हैं, मैं आप दोनों की पुलिस में कंप्लेन कर सकती हूँ। पुलिस में कंप्लेन? देखो मैडम, पुलिस से ना हम डरते वरते नहीं है। आपको जहाँ कंप्लेंट करनी है कर दीजिए, और रही बात जाने की तो जाइए ना, जाइए जाइए, हम कल फिर आ जाएंगे। हाँ, हमारा तो रोज का है। भाई तुम्हें कहाँ जिम से आ रहे हैं? बताइए कल क्या खाएंगे, मैं वो ले आऊँगा। काफी फिट रखी है अपने आप को। बिल्कुल कमाल है। ठीक है मैं ले आऊँगा, बताइए ना। मस्ती। अब तो याद आ गया होगा। देखिए मैम, आप जानती ना मैं किसका भाई हूँ। रुकिए अभी बात करवाता हूँ। सॉरी मैम, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। माफी तो अब तुम दोनों को पुलिस स्टेशन जाकर ही मिलेगी। पुलिस स्टेशन? नहीं नहीं मैम, पुलिस स्टेशन नहीं, हमारी सारी लाइफ खराब हो जाएगी। हम आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, प्लीज। ये तो ये हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम जैसे लोगों की वजह से ना लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। अरे तुम्हारे घर में भी माँ बहने होंगी कि नहीं? अगर उनके साथ कोई ऐसी हरकत करेगा तब तुम लोगों को कैसा लगेगा? मैम हमें समझ आ गया मैम, हम जाने अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं, हमारे लिए तो वो मजाक होता है, लेकिन दूसरे बंदे की सारी लाइफ खराब हो जाती है। आगे से हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, पक्का मैम, नहीं करेंगे कभी। मैम अगर सच में इन दोनों को अपनी गलती का एहसास है तो ये दोनों मेरी तरफ से फ्री हैं। ठीक है इस बार तो मैं तुम दोनों को छोड़ रही हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना, ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना बात नहीं सीधा अंदर करूंगी। यू आर अ ब्रेव गर्ल कि तुमने आवाज उठाई, वरना अक्सर लड़कियां ये सब सहती रहती, जो कि सरासर गलत है। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम।